हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17। और आज अपना ये वो कैप 32 है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है ना। हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको ये वीडियो अपना हो कैप का अच्छा सा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कर देना है, ठीक है। चलो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी वन वर्ड हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। OWS पहला वर्ड है अपना डिक्रिपिट, DECREPIT, डिक्रिपिट, ठीक है। एकदम इजी वर्ड है, यानी वॉर्न आउट और रूंड जो होता है, यानी जर्जर स्थिति में जो होता है उसी को डिक्रिपिट कहा जाता है। यानी जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में रहता है, क्योंकि वो ओल्ड है ना, जिसका केयर नहीं किया गया है, जिसको बहुत बार यूज़ किया होगा हुआ है, इसी वजह से जो बैड कंडीशन में उस चीज़ को डिक्रिपिट कहा जाता है ना। जैसे डिक्रिपिट ओल्ड मैन हो सकता है ना, डिक्रिपिट बिल्डिंग भी हो सकती है। तो मुझे लगता है आपको डिक्रिपिट समझ में आ गया होगा। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डिक्रिपिट के बाद डिफेमेशन, DEFAMATION, DEFAMATION, डिफेमेशन, यानी द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रिपुटेशन ऑफ समवन, किसी के नाम को कलंकित करना जो होता है उसको डिफेमेशन कहा जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में किसी के बारे में गलत अफवाह फैला दी, उसका उसका रिपुटेशन ख़राब करने के लिए कोई लिख दिया बात, तो वो क्या होता है, वो डिफेमेशन होता है। ऐसे नहीं, आप किसी के बारे में कुछ गलत कर रहे बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसका डिफेमेशन कर रहे हो, ठीक है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है उसको कलंकित कर रहे हो, यानी उसका उसका रिपुटेशन ख़राब कर रहे, यानी आप डिफेमेशन कर रहे हो। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन, DEFECTION, डिफेक्शन, यानी द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति जो होती है उसी को डिफेक्शन कहा जाता है। जैसे देखो, आपने कोई अपनी कंट्री छोड़ के आप दूसरे कंट्री में चले गए तो आपने डिफेक्शन किया। या सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देना। जैसे देखो, किसी ने कांग्रेस छोड़ के वो BJP में चला गया तो उसने क्या किया, कांग्रेस से डिफेक्शन कर लिया, ठीक है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटिव, DEFINITIVE, डेफिनेटिव, यानी कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रीच डिसिजिवली एंड विथ अथॉरिटी, यानी निर्णायक जो होता है उसी को डेफिनेटिव कहा जाता है। यानी डेफिनेटिव ऐसा होता है जो कुछ चेंज नहीं हो सकता ना इम्प्रूव हो सकता है। डेफिनेटिव मतलब बस वो ही फाइनल है अभी, है ना। जैसे कोई डेफिनेटिव जजमेंट होता है, यानी वो जजमेंट अभी फाइनल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, तो डेफिनेटिव यानी निर्णायक, है ना। आपको अभी समझ में आ गया होता गया होगा डेफिनेटिव क्या होता है। देन तुम्हारा डेफिनेटिव के बाद नेक्स्ट वर्ड है डीजनरेशन, DEGENERATION, DEGENERATION, डीजनरेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन और डिटोरिएशन, यानी पतन की स्थिति जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, तुम्हारा डीजनरेशन कहा जाता है, है ना। यानी जो गिरावट की जो होती है सिचुएशन उसी को तुम्हारा डीजनरेशन कहा जाता है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डिलेक्टेबल, DELECTABLE, DELECTABLE, डिलेक्टेबल, एकदम आसान वर्ड है, यानी प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, है ना। डिलेक्टेबल यानी जो एकदम आनंददायक है, स्वादिष्ट है ना, उसी को डिलेक्टेबल कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट में, स्मेल में, और यदि आप उसको देखते हो तो आपको बहुत आनंद महसूस होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट है, वेरी अट्रैक्टिव है, उसको डिलेक्टेबल कहा जाता है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डिलीगेट, DELEGATE, डिलीगेट, यानी टू ट्रांसफ़र वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी अधिकार या दायित्व तो किसी और को सौंपना जो होता है उसी को डिलीगेट कहा जाता है ना। यानी आपने जैसे बॉस होता है कोई, है ना, जो क्या करता है उसका अथॉरिटी किसी और को सौंपता है ना, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जॉब किसी और को दे देता है, इसलिए क्योंकि खुद का थोड़ा सा जॉब, थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा शांत दिमाग से काम कर सके, है ना। तो वही जो अथॉरिटी किसी और को देना होता है ना उसी को क्या करते हैं, डिलीगेट कहा जाता है। और एक डिलीगेट भी ये होता है कि एक पर्सन होता है जिसको चूज़ किया जाता है या उसको इलेक्ट किया जाता है बाय अ ग्रुप टू स्पीक वोट एक्सेट्रा फॉर देम स्पेशली एट अ मीटिंग, यानी एक मीटिंग में हर कोई वोट ना दे, है ना, तो एक ग्रुप में से एक डिलीगेट आता है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है डिलीगेट, ठीक है। तो वो भी एक मीनिंग होता है डिलीगेट का, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डेलिंक्विट, DELINQUENT, डिलिंक्विट, यानी वन हु कमिट्स माइनर क्राइम रिपीटेडली, यानी एक छोटा बच्चा, मतलब ये एक्चुअली डिलिंक्विट मैक्सिमम यंग बच्चों के लिए कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे क्राइम हमेशा करते रहते हैं ना, उनको डिलिंक्विट कहा जाता है। तो
ऐसे जो टीनेजर्स होते हैं जो छोटे छोटे क्राइम करते रहते हैं हमेशा ना, वो क्या होते हैं, डेलिंक्विट होते हैं। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डिलीवरेंस, DELIVERANCE, डिलीवरेंस यानी फाइनल रिलीज फ्रॉम रिबर्थ, यानी जीवन चक्र से जो मुक्ति होती है उसी को डिलीवरेंस का। तो जो मृत्यु हो जाती है अपने, तो फिर उसमें जो मुक्ति मिलती है अपने उसी को, यानी फिर से आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो वो होता है तुम्हारा डिलीवरेंस होता है। ये तो बहुत बड़ा मीनिंग हो गया। एक छोटा इसका ये भी मीनिंग होता है कि तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस या पेनफुल सिचुएशन से जो तुम्हें तुम्हें राहत मिलती है, तुम जो उससे बचते हो, उसको भी डिलीवरेंस कहा जाता है। जैसे वी प्रे फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम आवर सिंस, यानी हम हमारे पापों से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, प्रे करते हैं, है ना। जैसे द फैमिलीज होप्ड फॉर द सेफ डिलीवरेंस ऑफ देयर हस्बैंड्स फादर्स एंड ब्रदर्स, यानी जो फैमिलीज, उसने होप क्या की थी कि जो उनके हस्बैंड फादर्स या ब्रदर्स जो है उनको क्या मिले, सेफ डिलीवरेंस यानी सेफ मुक्ति मिले, यानी उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई बैड एक्सपीरियंस ना उनको हो, उनको पेनफुल सिचुएशन ना हो। ये देखो मैं सेंटेंस तो नहीं कहा, मेरे तरफ से एक्स्ट्रा लाता हूँ, बस यही होता है कि आपको वो मीनिंग, वो जो वो वर्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड आपको समझना चाहिए। तो डिलीवरेंस आपको पता चल गया, फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग, DEMAGOGUE, डेमागॉग यानी अ पॉलिटिशियन हु रोजेस पीपल्स फीलिंग फॉर ओन बेनिफिट, यानी राजनीतिज्ञ जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है। यानी डेमागॉग वो होता है, वो एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होता है जो क्या करता है, मतलब जैसे देखो रिलीजन पे बोलेगा, कास्ट पे बोलेगा, रेसेस पे बोलेगा, है ना, बाकी ऐसी चीज़, मतलब जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के उस पर नहीं बोलेगा, सिर्फ ये रिलीजन इस पर बोलेगा, भड़काऊ भाषण देगा और वोट पाएगा, उस पर्सन को डेमागॉग कहा जाता है, है ना। तो ऐसे जो पॉलिटिशियन होता है ना उसको डेमागॉग कहा जाता है। अभी हम करेंगे तो अभी अपना फर्स्ट जो ईडियम है वो है तुम्हारा डाउन टू अर्थ, यानी व्यवहारिक एवं यथार्थवादी। देखो डाउन टू अर्थ तो आपको पता है ना, जो ऐसा पर्सन होता है जो प्रैक्टिकल होता है, रीजनेबल होता है, फ्रेंडली होता है, यानी उसने बहुत का कुछ अचीव भी किया लेकिन वो सबसे घुल मिल के रहता है, फ्रेंडली रहता है, उसको डाउन टू अर्थ कहा जाता है, आपको ये पता भी है। तो तुम्हारा नेक्स्ट ईडियम है ड्रैग वंस फीट, यानी किसी काम से कदम वापस खींच लेना जो होता है उसको ड्रैग वंस फीट कहा जाता है, यानी टू मूव स्लोली और रिलंटेंटली बिकॉज वन डज नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग, यानी मैं इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो, यानी स्लोली मूव करना या किसी चीज़ को मतलब नहीं करना, कंप्लीट नहीं करना और ऐसे जानबूझ के नहीं करना, उसको क्या कहते तुम, ड्रैग वंस फिट कहते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, वी कांट बी लेट फॉर द डेंटिस्ट सो क्विट ड्रैगिंग योर फीट एंड गेट इन द कार, यानी सेंटेंस का मीनिंग है हम निकल लेट नहीं जा सकते डेंटिस्ट के पास, तो तुम्हारा ड्रैग फीट करना बंद कर दो, यानी जल्दी से चलो और कार में बैठ जाओ। देखो मैं सेंटेंस तो अलग से लाता हूँ, बस यही है कि आपको समझ में आ जाए, ये ईडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तुम्हारा नेक्स्ट ईडियम है ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक यानी प्रयास में असफल होना, तो प्रयास में असफल होना उसी को ड्रॉ अ ब्लैंक कहा जाता है, यानी ब्लैंक हो जाना ना, तो समझ रहे हो, तो तुम तो प्रयास में असफल ही हो जाएगा आदमी, तभी वो ब्लैंक हो जाएगा ना, यानी टू गेट नो रिजल्ट और रिस्पॉन्स जो होता है उसी को ड्रॉ अ ब्लैंक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो सेंटेंस, डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग द केस हैव ड्रॉन अ ब्लैंक सो फार, यानी जो डिटेक्टिव से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे केस को, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, सिंपल सा उसका सेंटेंस का मीनिंग है। देन देखो तुम्हारा नेक्स्ट जो है ईडियम वो है ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, यानी अपनी सोच कल्पना का सहारा लेना किसी काम में, है ना। देखो फैंसी यानी इमेजिनेशन ही होता है ना, तो ड्रॉ ऑन वंस फैंसी यानी आप आपके इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, है ना। जैसे देखो सेंटेंस देखो, द पोएट ड्रीव ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम, यानी पोएट तो वही करते हैं, उनका इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए अपनी कविता या पोएम को लिखते हैं, है ना, तो एकदम ईजी है। देन तुम्हारा नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन, यानी किसी चीज़ की सीमा तय करना। देखो तुम लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो तुम सीमा तय कर, जैसे लक्ष्मण ने सीता माता के लिए क्या किया था, लाइन ड्रॉ किया था ना, तो सीमा तय कर देते, तो ड्रॉ द लाइन एकदम ये होता है कि तुम किसी चीज़ के लिए एक सीमा तय कर देते हो। जैसे इसका इंग्लिश में देखो मीनिंग, जैसे टू पुट अ लिमिट ऑन व्हाट यू विल डू और अलाउ टू हैपन स्पेशली बिकॉज यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी आपने लिमिट रख दिया अपने इसके ऊपर। जैसे सेंटेंस देखो, आई विल डू व्हाट एवर माई कंपनी आस्क्स
मी टू, बट आई ड्रॉ द लाइन व्हेन समवन आस्क्स मी टू लाइफ फॉर देम। यानी मैं मेरे कंपनी के लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ड्रॉ लाइन कर दूंगा कब, जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें झूठ बोलना है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये होता है उसका, है ना, ड्रॉ द लाइन, मतलब आपने लिमिट एक तय कर दी। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर जो बोलना होता है उसी को ड्रॉ द लॉन्ग बो कहा जाता है ना, यानी एग्जैगरेट करके स्टोरीज को बताना और स्टेट करना किसी चीज़ को, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉ द लॉन्ग बो कहा जाता है। जैसे सेंटेंस को, ही श्योर टू ड्रॉ द लॉन्ग बो ऑन द साइज ऑफ हिज कैच ऑफ फिश, यानी किसी ने कोई फिश पकड़ी है ना, लेकिन वो बड़ा चढ़ा के बताता कि बहुत बड़ा फिश ऐसा कुछ, तो ड्रॉ द लॉन्ग बो पता है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताना। देन तुम्हारा नेक्स्ट एडियम है ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी जीवन का पूरा आनंद उठाना जो होता है उसी को ड्रिंक लाइफ टू द लीज कहा जाता है। देखो इसमें लाइफ आया है ना, यानी बहुत आनंद लेना जीवन का, उसी को ड्रिंक लाइफ टू द लीज कहा जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा एडियम है ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी बहुत अधिक पीना, एक्चुअली ये शराब के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बहुत अधिक यदि आप अल्कोहल पीते हो, है ना, बहुत ज़्यादा आप दारू शराब पीते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ड्रिंक लाइक अ फिश करें, क्योंकि फिश देखो समंदर में होते हैं, तो वैसे आप शराब में डूबे हुए हो, ठीक है, और शराब पीना बहुत ही गलत बात है। देन तुम्हारा नेक्स्ट ईडियम है ड्राइव होम, यानी किसी बात या तथ्य पर जोर डालना जो होता है उसी को ड्राइव होम कहा जाता है। देन तुम्हारा नेक्स्ट ईडियम है ड्राइव समवन अप द वॉल, यानी नाराज़ या परेशान करना, है ना, ड्राइव समवन अप द वॉल, यानी आप किसी को नाराज़ या परेशान कर रहे हैं, है ना, यानी यू आर एम्फसाइजिंग दैट दे आर, तो यानी आप यू आर एम्फसाइजिंग दैट दे आर अनॉय आर इरीटेट्स यू, यानी आप यदि बोल रहे हो कि समथिंग और समवन इज़ ड्राइविंग यू अप द वॉल, यानी यू आर एम्फसाइजिंग दैट दे अनॉय और इरीटेट यू, है ना। तो चलो अभी हमारे ईडियम्स भी ख़त्म हो चुके हैं, और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यार इसको ईडियम्स और ये वन वर्ड को और ये आने वाला जो होकैब है ना उसको यूज़ करते हुए नहीं क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो जो अभी आज का अपना फर्स्ट वोकैब है वो है असेंडर, ASUNDER, असेंडर। देखो इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन आप असंडर भी कर सकते हो या असुंडर भी कर सकते हो क्योंकि स्पेलिंग के लिए, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है असेंडर, ASUNDER, असेंडर के एडवर्ब फॉर्म में, यानी इनटू पार्ट्स, है ना, इनटू पार्ट्स या जो अपार्ट करना जो होता है उसी को असेंडर कहा जाता है। देखो जैसे एकदम ईजी होता है असेंडर, यानी अ फियर्स क्वारल स्प्लिट द पार्टनरशिप असेंडर, यानी जो फियर्स क्वारल हुआ, यानी जो बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, जो पार्टनरशिप था ना वो असेंडर हो गया, वो अपार्ट हो गया, मतलब उनका पार्टनरशिप टूट गया, तो ये होता है तुम्हारा असेंडर होना, है ना, पार्टनरशिप टूट जाना उसको असेंडर कहा जाता है ना। या दोनों के यदि व्यूज़ असेंडर है, यानी दोनों के व्यूज़ बहुत ही एक दूसरे से अलग है, तो ये होता है असेंडर। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है असाइलम, ASYLUM, असाइलम यानी एक नाउन फॉर्म, यानी प्लेस ऑफ रिफ्यूज और शेल्टर या प्रोटेक्शन। तो असाइलम एक जगह होती है जहाँ पे रिफ्यूजी जो होते हैं उनको क्या देना होता है, आपको प्रोटेक्शन देते हो आप, तो उनको असाइलम में रखते हैं। जैसे देखो तुम्हारा म्यांमार में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी थे तो उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश में क्या लिया था, असाइलम लिया था, वो यहाँ पे वो रुके थे, असाइलम में रुके थे, है ना। तो असाइलम वो जगह होती जो रिफ्यूजी होती उनको रखा जाता है ना। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड असिमेट्रिक, ASYMMETRIC, असिमेट्रिक एक एडजेक्टिव फॉर्म, यानी नॉट आइडेंटिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिवाइडिंग सेंटर लाइन। तुम्हें सिमेट्रिक तो पता है, अपने मैथ में भी होता है। जैसे देखो सिमेट्री यानी दोनों जगह पे सेम चीज़ है। जैसे देखो आपने फेस के ऊपर यदि लाइन मार दी, नोज़ के ऊपर से एक लाइन चली गई आपके फेस पे डाल दिया, तो आपका फेस कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है ना, दोनों तरफ एक एक आइज़ होती है ना, आईब्रोज होते हैं दोनों साइड में, तो ये चीज़ें ये होता है सिमेट्रिक। और उसका उल्टा, उसका निका अपोजिट क्या होता है, असिमेट्रिक होता है। यानी यदि एक आईब्रोज थोड़ा सा मतलब ऊपर चला गया, दूसरा आईब्रोज नीचे, या एक आँख थोड़ा सा ख़राब है दूसरा आँख अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है अटाविज्म, ATAVISM, अटाविज्म एकदम ईजी वर्ड है। इसका मीनिंग होता है अटाविज्म का एक नाउन फॉर्म, यानी रिसेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स रैदर देन टू पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स हैं उनके जैसे न दिखना, है ना, या किसी मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, मतलब ऐसे दो तीन जनरेशन पहले जैसे जो आपके अंदर यदि क्वालिटीज आती है तो वो कैसी क्वालिटी, मतलब वो अटाविज्म है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स के जैसे आपके पास क्वालिटीज़ नहीं है, दो तीन जनरेशन के पहले वाले क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो वो अटाविज्म है।
ठीक है। और उसका नेक्स्ट सेम ही वैसे मीनिंग डिफॉर्मेटरी रिटर्निंग आफ्टर पासेज ऑफ टू और मोर जनरेशन, यानी जो कोई गलत डिफॉर्मेशन मतलब गलत कोई डिसीज है, कोई ऐसी चीज़ें है जो गलत है, वो तुम्हारे दो तीन जनरेशन के पहले वाले वो गलत डिसीज़ तुम्हारे अंदर आ गई है ना। आपके पेरेंट्स को नहीं था लेकिन आपके दो तीन जनरेशन के पहले वो चीज़ें उनके पास थी, तो वो डिसीज़ आपके पास आ गया है ना, तो वो क्या हो गया, एटाविज़म कहा जाता है उसको। सेंटेंस देखो, द डॉक्टर्स अस्क्राइब्ड द चाइल्ड्स डिफॉर्मिटी टू एन अटाविज़म, यानी जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रन है, जो छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें जो डिफॉर्मिटी है यानी जो गलत ये है वो किसकी वजह से, अटाविज़म की वजह से, मतलब उसके पेरेंट्स को में कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन दो तीन जनरेशन के पहले प्रॉब्लम था। ये तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड अथिस्टिक, ATHEISTIC, अथिस्टिक एकदम आपको पता है, एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वो भगवान को नहीं मानता, अथिस्टिक जो होता है ना भगवान को नहीं मानता, ठीक है। सेंटेंस देखो, हिज अथिस्टिक रिमार्क्स शॉक्ड द रिलीजियस वर्शिपर्स, यानी जो उसके अथिस्टिक रिमार्क्स थे, यानी वो जो भगवान को मतलब गलत बोल रहा था, भगवान को नहीं मानता था, उसके रिमार्क्स जो थे उसकी वजह से जो भगवान को मानने वाले थे उनको बहुत बड़ा शौक लगा। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है एटलस, एटलस तो आपको पता ही है, नाउन फॉर्म है, अ बाउंड वॉल्यूम ऑफ मैप्स चार्ट्स और टेबल्स, यानी जो पूरा उसमें मैप्स सब रहते वो एटलास में रहते हैं ना मैप्स, पता है आपको। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड अटोन, ATO, यानी अटोन एक वर्ब फॉर्म है, यानी मेक अमेंड्स फॉर और पे फॉर, यानी अटोन यानी तुम्हें सिंपल सा है कि आप प्रायश्चित करते हो किसी चीज़ के लिए, है ना, टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यदि आपने किसी कुछ चीज़ रॉन्ग की है तो आप उसको शो कर रहे कि ये हमने गलत किया, आप प्रायश्चित कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, अटोन करते हो आप, है ना, यानी टू अटोन फॉर योर क्राइम्स, आप अपने क्राइम्स को क्या करते हो, अटोन करते हो, प्रायश्चित करते हो। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी एक नाउन फॉर्म, यानी ब्रूटल डीड, एट्रोसिटी यानी क्रूयल ट्रीटमेंट देना किसी को, समबडी और समथिंग, किसी को क्रूयल यदि आप ट्रीटमेंट देते हो, है ना, किसी के साथ अभी आप अति क्रूर व्यवहार करते हो, उस पर अत्याचार करते हो, तो आप क्या करते हो, एट्रोसिटी करते हो, है ना, एक नाउन फॉर्म है। यानी सेंटेंस देखो, बोथ साइड्स वेयर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज ड्यूरिंग द वॉर, यानी दोनों साइड जो थी उन्होंने वॉर में क्या किया था, एट्रोसिटी किया था, क्रूर काम किया था, बहुत गलत चीज़ें की थी, है ना, तो वो था एट्रोसिटी, आपको समझ में भी आ गया होगा। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है एट्रोफी, ATROPHY, एट्रोफी यानी एक नाउन फॉर्म, यानी वेस्टिंग अवे, एट्रोफी यानी वेस्टिंग अवे। देखो मैं सिंपली आपको समझाता हूँ, एट्रोफी एक मेडिकल कंडीशन है, उसमें क्या होता है, तुम्हारा फ्लेश या मसल या स्ट्रेंथ लूज हो जाता है, ठीक है, और किसकी वजह से, मतलब आपके बॉडी में यदि कोई फ्लेश मसल या स्ट्रेंथ लूज हो जाता है एट्रोफी एक मेडिकल कंडीशन में, क्योंकि आपके पास इनफ ब्लड नहीं है, तो एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म है एट्रोफी, है ना, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा एट्रोफी क्या होता है, ठीक है, ऐसे मैंने जो बोला वो याद रखना है आपको एट्रोफी में, ठीक है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है अटेन, ATTAIN, अटेन यानी एक वर्ब फॉर्म, यानी अचीव करना, अकम्प्लिश करना, गेन करना, उसको क्या कहते हैं, अटेन करना कहते हैं। जैसे आपको पता भी होता होगा ना, हम बोलते हैं कि मैंने ये अटेन किया है ना, देखो जैसे सेंटेंस, ही हैज़ अटेंड द हाइएस्ट ग्रेड इन हिज म्यूजिक एग्जाम्स, यानी उसने म्यूजिक एग्जाम में हाइएस्ट ग्रेड को अटेंड किया, यानी उसने अचीव किया, उसने सक्सीड पाया उसमें, है ना, तो उसने अकम्प्लिश किया, तो ये हो गया अटेंड, है ना। तो चलो अभी हमारे फ्रेजल वर्ब करेंगे, खत्म हो गया, अब हम देखेंगे हमारे 31 जो ऑडियो ऑलरेडी हो चुका है ना, तब तक हमारे हंट डाउन यानी 150 तक फ्रेजल वर्ब हो चुके थे, अभी हमारा फ्रेजल वर्ब है 151 यानी हशअप। हशअप यानी क्या होता है, टू हाइड होता है यानी छिपाना होता है। सेंटेंस देखो, दे हश्ड अप दिस मैटर एंड द ट्रूथ नेवर कम टू लाइमलाइट, यानी उन्होंने क्या किया, ये जो मैटर है उसको क्या किया, हशअप किया यानी हाइड कर दिया, और जो ट्रूथ है वो कभी सामने नहीं आया। तो हशअप आपको याद रखना है, टू हाइड या छिपाना। देन तुम्हारा 152 फ्रेजल वर्ब है इम्प्रेस आइडिया ऑन, या सिंपली आप इम्प्रेस ऑन या इम्प्रेस अपॉन भी कह सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। उसका मीनिंग होता है टू कन्विंस समवन और इम्पार्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन, यानी मन में बैठाना, कोई बात किसी व्यक्ति के मन में जो बैठाना होता है ना, उसी को इम्प्रेस आइडिया ऑन कहा जाता है। सेंटेंस देखो, शी कैन इम्प्रेस अपॉन देम ईजिली एंड वी विल बी लेफ्ट इन द लर्च, ठीक है, यानी क्या उसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है, जैसे सेंटेंस फिर से देखते, शी कैन इम्प्रेस अपॉन देम ईजिली
एंड वी विल बी लेफ्ट इन द लर्च, यानी वो उनको बहुत ईजिली इम्प्रेस अपॉन कर सकती है, यानी उनके मन में बहुत ही ईजिली किसी चीज़ को बैठा सकती है ना। तो इतना याद रखो आप, इम्प्रेस आइडिया ऑन यानी मन में बैठाना। देन तुम्हारा 153 फ्रेजल वर्ब है आयरन आउट। आयरन आउट यानी टू ईज अ प्रॉब्लम, यानी समस्या की गंभीरता को कम करना जो होता है ना उसी को आयरन आउट करता है। ठीक है, सेंटेंस देखो, वी नीड टू आयरन आउट अवर डिफरेंसेस, यानी हमारे जो डिफरेंसेस है ना, यानी हमारे जो ओपिनियन जो अलग अलग है, डिफरेंसेस यानी क्या होता है, तुम्हारे और मेरे यदि ओपिनियन अलग अलग है तो हमारे अंदर क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सेंटेंस है इसका मीनिंग यही होता होगा कि हमें जो हमारे जो डिफरेंसेस है यानी जो हमारे दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना है, आयरन आउट करना है, यानी उसकी गंभीरता को कम करना है, उस प्रॉब्लम को ईज करना है, यानी है ना। देन तुम्हारा 154 फ्रेजल वर्ब है जंप एट कंक्लूजन, यानी टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी, यानी जल्दबाजी में क्या करना, निष्कर्ष निकालना, उसी को जंप एट कंक्लूजन कहा जाता है। सेंटेंस देखो, यू शुड नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन विदाउट ड्यू डिलिब्रेशन, यानी आपने जल्दबाजी में कभी भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, मतलब सोच समझना चाहिए तभी आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए, उसके बिना बिल्कुल भी जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट 155 नंबर का फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन, यानी कंटिन्यू, जारी रखना। सेंटेंस देखो, ही केप्ट ऑन टॉकिंग दो नन ऑफ अस वॉज इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरीज, यानी वो कंटिन्यू करता रहा, उस टॉकिंग कंटिन्यू करता रहा और हम उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। तो कीप ऑन क्या होता है, कंटिन्यू रखना यानी जारी रखना। ठीक है, तो अभी अपना हो क्या बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, आपको इसको एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और शाम को उसका टेस्ट भी देना है, और यार इसको वीडियो को निकाल बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट करना है, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे ये ऑडियो सुन रहे हैं, कितने बच्चे हमारे इस यहाँ से हो कैप कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज